दुनिया के पांच सबसे विचित्र इंसान। नंबर पांच, मैन विद बॉल्स ऑफ स्टील, अमनदीप सिंह। हरियाणा के रहने वाले अमनदीप सिंह का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। 7 साल की उम्र तक मार्शल आर्ट सीखने के बाद 10 साल की उम्र तक ये आसपास के सभी बच्चों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो गए थे। अमनदीप का कहना है कि वो बड़े से बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बनना चाहते हैं। इतना ताकतवर कि वो गैंडे से भी लड़ सके। अमनदीप के हैरतअंगेज स्टंट्स के कारण उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। कई खिताब अपने नाम कर चुके अमनदीप सिंह अब गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। एक प्रतियोगिता में उन्होंने अपने शरीर के ऊपर कार तक चलवाई थी। इसके अलावा एक साथ 53 बियर की बोतलों को अपने हाथों से तोड़ा था। अपने फौलादी शरीर के लिए फेमस इंडिया के स्टील मैन अमनदीप सिंह ने 2 लोगों को अपने दांतों से भी उठाया था, जिन दोनों का वजन करीब 146 किलो था। इसके साथ ही सबसे खतरनाक एक स्टंट्स में उन्होंने अपने अंडकोश पर विशाल हथौड़े से भी वार कराया था, जिसने सबके होश उड़ा दिए थे। इसके अलावा अमनदीप सिंह अपने सिर और हाथ पैरों पर डंडों की बौछार करवाते हैं और बाइक को खिलौनों की तरह उठा लेते हैं। अमनदीप सिंह वर्ष 2005 में मिस्टर अंबाला चुने गए थे। साल 2009 में इंटरनेशनल मॉडलिंग कंपटीशन में पूरे विश्व से आए 15,000 सिखों में से अमनदीप मिस्टर सिंह चुने गए थे, जहां उन्हें स्टील मैन और टैलेंट अवार्ड से नवाजा गया था। नंबर 4, गगन सतीश, लिम्बो स्कैटर। ये है गगन सतीश नाम का छोटा अजूबा, जिसने बड़े बड़े दिग्गजों को हैरान कर दिया है। इनकी उम्र जरूर कम है, लेकिन हौसला आसमान पर है। पहली कक्षा में पढ़ने वाले बेंगलुरु के 6 साल के गगन सतीश ने रोलर लिम्बो स्केटिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गगन ने स्केट्स पर पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर 39 एसयूवी कारों के नीचे से 70 मीटर की दूरी महज 29 सेकंड में तय की है। इस सफलता का श्रेय गगन अपने माता पिता रंजन और हेमा सतीश को देते हैं, जिन्हें गगन पर नाज है। गगन ने बताया कि उसका अगला टारगेट 100 कारों के साथ रिकॉर्ड बनाने का है। उसका ड्रीम ओलंपिक में इंडिया की तरफ से स्केटिंग करना है। गगन जब 3 साल का था तो तब बेंगलुरु के एक स्केटिंग क्लब ने उन्हें उनकी कम उम्र के चलते दाखिला नहीं दिया था। तब गगन की माँ हेमा और उनके पिता सतीश ने उनके लिए अलग से ट्रेनर रखा था। नंबर 3, मिस्टर इलास्टिक, गैरी टर्नर। रियल लाइफ में लोग इस शख्स को मिस्टर फैंटास्टिक के नाम से जानते हैं। दरअसल इंग्लैंड में रहने वाले गैरी टर्नर की त्वचा असामान्य रूप से बेहद ही लचीली और लोचदार है। टर्नर अपनी पेट की लोचदार त्वचा को 6.25 इंच तक खींच सकते हैं। इस वजह से ही टर्नर ने सबसे लोचदार रबर वाली त्वचा होने का सबसे अनोखा रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में अपने नाम दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि गैरी टर्नर ने ये कारनामा लॉस एंजल्स में होने वाले टेनिस मैच में 29 अक्टूबर 1999 को अपने नाम किया था। वहां पर इन्होंने ऑडियंस के बीच में अपनी त्वचा को खींचकर सबको हैरान कर दिया था। इसकी चमड़ी इतनी लोचदार है कि गर्दन की चमड़ी जबड़े से बाहर तक आसानी से खींची जा सकती है। हालांकि इस अनोखे रिकॉर्ड के पीछे गैरी टर्नर की एलर्स डैनलोस सिंड्रोम नामक मेडिकल स्थिति है, जिनके कारण ही इनकी स्किन सुपर फ्लेक्सिबल है। ये एक प्रकार का संयोजी उत्तक विकार है, जो त्वचा के स्नायु बंधन को प्रभावित करता है। नंबर 2, रबर मैन टॉरी जेम्स। टॉरी जेम्स दुनिया के रबर मैन के नाम से मशहूर है। टॉरी एक ऐसे इंसान है जो अपने शरीर को किसी भी एंगल में मोड़ने में सक्षम है, और जितना तेज सामान्य इंसान चल पाता है उतने स्पीड से टॉरी जेम्स इसी मुड़ी हुई पोजीशन में चल सकने में माहिर है। जब अमेरिका गॉट टैलेंट में इन्होंने हिस्सा लिया था तो इन्होंने अपनी अनोखी प्रतिभा से सबको चौंका दिया था, और तब से ही टॉरी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए थे। यही नहीं, जेम्स की सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। इस बात का अंदाजा आप केवल इस बात से ही लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अपलोड किए टॉरी जेम्स के एक वीडियो को एक सप्ताह में 60 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया था। जेम्स जब अपने इस परफॉर्मेंस को अंजाम दे रहे होते हैं तो किसी डरावने समुद्र जहाज की तरह लगते हैं, या फिर उस समय किसी हॉरर मूवी में आने वाले डरावने दृश्यों जैसा एहसास होता है। कमजोर दिल वाले लोग तो इनको देखकर इतना डर जाते हैं कि उनके धड़कने ही बढ़ जाती हैं। नंबर 1, डेमी बॉगबी। जो लोग सोचते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करना सिर्फ पुरुषों का काम है, तो आज उनकी आंखों पर से ये पर्दा उठने वाला है।
क्योंकि हम आपको आज दुनिया की एक ऐसी महिला बॉडी बिल्डर के बारे में बताने वाले हैं जिनका बॉडी साइज देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है दोस्तों डेमी बॉग्बी, जो कि एक अमेरिकन क्रॉसफिट एथलीट होने के साथ साथ बॉडी बिल्डर भी है। 2001 में सेंटियागो कैलिफोर्निया में इनका जन्म हुआ था। शुरुआती दिनों से ही इन्हें स्पोर्ट्स से काफी लगाव था, जिस वजह से ये चीयरलीडिंग का रेगुलर बेसिस पर हिस्सा बनी रही। लेकिन वर्ष 2014 में उनके साथ एक हादसा हुआ जिसमें इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अगले 3 महीने तक डेमी पैरालाइज थी और डॉक्टरों का मानना था कि डेमी अब कभी चल नहीं पाएंगी। लेकिन डेमी ने हार नहीं मानी, उसने सभी चुनौतियों का सामना किया और दोबारा उतनी मेहनत करनी चालू कर दी। और साल भर मेहनत करने के बाद डेमी ने खुद को रिकवर किया, जिस वजह से डेमी आज कई लोगों की इंस्पिरेशन है। वहीं अपनी फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, जहां इनके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इन सब में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा प्रतिभाशाली लगा। धन्यवाद।